अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल ऑन द ग्रेट अप प्लेटफॉर्म। मैं आप सभी का ग्रेट अप प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। बच्चों जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ जाइए और मुझे बता दीजिए वॉइस वीडियो एंड पीपीटी इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी पीपीटी क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए ताकि हम क्लास को कॉन्टिन्यू कर सकें। आई कैन सी मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन दिस सेशन। जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ते चलिए। ओके वेरी गुड मॉर्निंग दीपा, वेरी गुड मॉर्निंग आशिका। क्विकली क्विकली ज्वाइन मी सो दैट वी कैन कंटिन्यू। जल्दी से जल्दी बच्चों जुड़ जाइए। ओके सो कैन यू सी मी माय वॉइस वीडियो पीपीटी इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जल्दी से जल्दी बच्चों जुड़ते चलिए। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हम आप सभी के लिए। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। लाइक बटन को क्लिक कर आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। जुड़ते चलिए। ओके सो आई वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सो आप सभी को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप सभी को वर्ल्ड पॉपुलेशन की, विश्व जनसंख्या दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपके साथ आ रहे हैं तीनों फैकल्टी, आ रही हैं तीनों एक साथ आपको दिलाने 50 में से 50। ठीक है, तो आपकी सारी बेस्ट फैकल्टीज ऑफ यूजीसी नेट फॉर पेपर वन दे आर कमिंग टुगेदर आपको दिलाने 50 में से 50। तो ये सेशन देखना मत भूलिएगा। आज 11 से 12 ज्योग्राफी का सेशन खत्म होने के बाद आपने 12 बजे इनसे जुड़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, भावना, सृष्टि। ओके सो वी आर मूविंग फर्दर। सो दिस इज आवर टाइम टेबल, जैसे कि आप सभी को पता है आज हमारे टाइम टेबल में था आज हम पढ़ेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ग्रेड अप की क्लासेस का आपको पता ही है पेड क्लासेस होती है हमारी 9 बजे शाम को 8 बजे, और ग्रेड अप की फ्री क्लासेस होती है हमारी ऐप पर होती है ये फ्री क्लासेस, यानी आपको ग्रेड अप की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा शाम 7:45 बजे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, और ये हमारा ग्रेड अप का फ्री टाइम टेबल सीरीज रहा है जो हम 6:45 पे जो हमारी फ्री आप क्लासेज होती हैं उस पर हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारे डेट्स के साथ हमने ये टॉपिक्स पढ़ाए थे। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं, ये ऐप सीरीज पर ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, वेरी हैप्पी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रंजिता जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है मेगा सेशन हमारा सुबह हर संडे सुबह 11 बजे होगा। ठीक है, चलिए तो आर यू गाइस रेडी, तैयार हैं आप सब? तो सबसे पहले आज का सेशन शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही देखी है, सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। बिल्कुल, विदाउट सक्सेस सक्सेस उसी को ही मिलती है जो मेहनत करता है। तो इसलिए आप सब ने जीआरएफ के लिए मेहनत करनी है। यू आर सपोज टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने वीडियो को अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डू लाइक इट एंड डू प्रोवाइड योर कॉमेंट्स। आप किस टॉपिक में हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर कॉमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। सो शैल वी स्टार्ट दी सेशन। काफी बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आइए चलते हैं आगे। चलिए तो काफी बच्चे एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, तो आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले बच्चों रूल ये रहेगा, सबसे पहले इंग्लिश में बताया जाएगा, उसके बाद हिंदी में बताया जाएगा। टाइमर आपको मिलेगा 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। आपने इस 30 सेकंड के अंदर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, समय की टिक टिक मैंने कर दी है शुरू, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। घटते मरुस्थलीय पर्वत समूह के समीप बने कोमल ढालू चट्टान तल क्या कहलाते हैं? क्या वो पाल्या कहलाते हैं, पेनिप्लेन, टेलेस या पेडिमेंट? चार विकल्प है आपके सामने, आपने इसका सही विकल्प चुनना है। बताइए क्या है इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। लेट मी चेक। वेरी गुड मॉर्निंग राजकुमार, कनन, अंकिता, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ते चलिए ताकि हम अब आगे बढ़ते रहें। ओके, तो वेरी गुड, हैप्पी टू सी दिस, ग्रेट। तो सो द राइट आंसर इज डी, यानी कि जेंटल स्लोपिंग रॉक फ्लोर को बोला जाता है पेडिमेंट। ठीक है, पेडिमेंट के नाम से जाना जाता है। पाल्या नहीं है, पेनिप्लेन नहीं है, टेलस नहीं है। तो आइए देखते हैं। एसी लॉसन, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन एसी लॉसन, पेडिमेंट्स दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल रिसेशन ऑफ माउंटेन फ्रंट कॉज बाय वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, यानी कि माउंटेन क्या होता है, ग्रेजुअल रिसेशन ऑफ माउंटेन फ्रंट। पहले माउंटेन यहाँ पर था, अब अपरदन प्रक्रिया के द्वारा बिकॉज ऑफ इरोजन अब ये माउंटेन क्या है, इट इज मूविंग बैकवर्ड। ठीक है, सो ड्यू टू दिस बैक वेस्टिंग ऑफ माउंटेन फ्रंट थ्रू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और वेदरिंग एंड एलियन एंड फ्लोवियन इरोजन, माउंटेन फ्रंट इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअल रिसेशन, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है पेडिमेंट फीचर। ठीक है, तो इसका सही जवाब था पेडिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के टिक टिक कर देती हूँ मैं शुरू, बताइए क्या है इसका सही जवाब। Which of the following terms is not associated with the plate tectonic theory? यानी निम्नलिखित पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, तब आपने उसका जवाब देना है। क्या वो सबडक्शन है, मैग्नेटिक अनोमोली है, सी प्रोप स्प्रेडिंग है, फोर्स ऑफ बुयांसी है? देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। लेट मी सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स। कितने बच्चों का आया है सही जवाब, देखते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, यानी कि फोर्स ऑफ बोयंसी, इसका सही जवाब है डी। बच्चों बी नहीं है, बी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, बी इसका सही जवाब नहीं है, इसका आंसर है डी, यानी कि फोर्स ऑफ बोयंसी। यानी फोर्स ऑफ बोयंसी उत्प्लवकता का बल प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मैग्नेटिक एनोमोली जो है चुंबकीय विसंगति, चुंबकीय मैग्नेटिक एनोमोली जो आपने लिखा था, इट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। हेनरी हेस ही प्रपोज दैट सी फ्लोर इट वॉज मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, एंड इज थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग मेंटेन द न्यू बेसाल्टिक ओशनिक क्रस्ट। देखो मान लीजिए, अब आपको पता है डाइवर्जन मूवमेंट कैसे होती है, ये आप सभी को पता है। छोटी सी बात है, यहाँ पर हम इसको ऐसे समझते हैं, दो प्लेट्स हैं, दोनों दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मिड ओशनिक रिज यानी कि जो हमारे कटक बनते हैं वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री की वजह से बनते हैं। और सबडक्शन क्या है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच ओशनिक क्रस्ट इज पुश्ड अगेंस्ट एंड फाइनली अंडरनीथ कॉन्टिनेंट। सबडक्शन क्या होता है, जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है और जो हैवी प्लेट होती है वो ज्यादा डेंसिटी होने के कारण अंदर की तरफ धस जाती है, तो इस धसने को बोलते हैं सबडक्शन। और इस जोन को बोला जाता है ओवरलाइंग चेंज ऑफ वोल्केनिक आइलैंड, विच इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड आर्क्स। जो आपका पैसिफिक ओशन में वो सारे आइलैंड हैं छोटे छोटे, दीज आर ऑल्सो नोन एज आइलैंड आर्क्स, इनको आइलैंड आर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन
और आपको मैं बता दूं, हम लोग आज जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। इट इज फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम, नॉट ओनली फॉर द यूजीसी नेट, बट इट इज फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, चाहे आपका ज्योग्राफी का कंबाइंड डिफेंस एग्जाम हो, कंबाइंड एसएससी सर्विसेज का एग्जाम हो, ठीक है, ये सब हम ऑल इन वन लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैग्नेटिक एनोमलीज कोइंसाइड विद द एपिसोड्स ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। सो अब आपने मैग्नेटिक एनोमलीज के बारे में पता होगा जहां पर रॉक्स, मान लीजिए यहाँ पर अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ ऐसे करके है, जहां पर अलाइनमेंट मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है तो वहां पर नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जहां पर मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा रॉक्स की डायरेक्शन उसी साइड दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनोमल। अ रॉक इट हैज अ नॉर्मल और पॉजिटिव पोलैरिटी व्हेन इट्स वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एज द अर्थ फील्ड टूडे। द पॉजिटिव मैग्नेटिज्म एड्स टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिएट्स अ हायर मैग्नेटिक मेजरमेंट एट दैट लोकेशन। सो रॉक्स आर नेगेटिवली पोलराइज व्हेन अर्थ फील्ड इज रिवर्स व्हिच रिड्यूसेस द अर्थ नेक्स्ट फील्ड। तो ये सारी चीजें अर्थ की मैग्नेटिक एनोमली से रिलेटेड है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। आइस क्रिस्टल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, यानी हिमकंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसके द्वारा किया गया था? बर्गेरियन था, टेलर थे, बोवेन थे और एरन बोर्ट थे। बताइए, चार विकल्प हैं आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुनना है। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। लेट मी चेक क्या होगा इसका सही जवाब। ये तो काफी टेढ़ा सवाल है, तो देखते हैं कितने बच्चों ने ज्योग्राफी को अच्छी तरह से पढ़ा है यूजीसी नेट के लिए। तो इसका सही आंसर है ए। देखते हैं कितने बच्चों ने दिया है, 67% ऑफ द स्टूडेंट सेट ए इज द राइट आंसर। चलो वेरी गुड। शोभा जी, डी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है ए। ठीक है, तो देखते हैं ए के बारे में पढ़ते हैं। आइस क्रिस्टल थ्योरी दी है बर्गेरियन, फाइडसन, बेजर के द्वारा, एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन दी प्रोसेस बाय विच प्रेसिपिटेशन पार्टिकल्स मे फॉर्म विद इन अ मिक्स क्लाउड विच इज कम्पोज ऑफ बोथ आइस क्रिस्टल एंड लिक्विड वाटर ड्रॉप। ठीक है, यानी आइस क्रिस्टल की वजह से और वाटर की वजह से, पानी की वजह से ये चीजें देखी जाती हैं। एंड द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज द फैक्ट दैट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर विद रिस्पेक्ट टू आइस इज लेस देन दैट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड वाटर एट द सेम सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। दस विद इन एन एडमिस्टर ऑफ दिस पार्टिकल एंड प्रोवाइडेड दैट द टोटल वाटर कंटेंट वाज सफिशिएंटली हाई द आइस क्रिस्टल वुड गेन मास बाय वेपर डिपोजिशन एट द एक्सपेंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स दैट वुड लूज मास बाय एवेपोरेशन। ठीक है, तो आइस क्रिस्टल की थ्योरी है, मैं इससे रिलेटेड आपके लिए रिकॉर्डिंग लेकर आऊंगी बहुत जल्द ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सरफेस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। बताइए, समुद्री सतह का तापमान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन के लिए आदर्श है। बताइए, देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स क्विकली क्विकली। ओह दैट्स ग्रेट, सो द राइट आंसर इज ए। सही आंसर है ए। तो आइए देखते हैं इसको हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जब ट्रॉपिकल फॉर्मेशन की बात होती है तो देर आर 4 to 5 कंडीशन। सबसे पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, इक्वेटर से भूमध्य रेखा से 5,000 किलोमीटर दूर बनेगा हमारा चक्रवात। चौथा क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, यानी नीचे पानी की सतह होनी चाहिए, पानी सप्लाई ऑफ मॉइस्चर शुड बी देयर। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल जोन की बात होती है तो यानी कि 27 डिग्री के आसपास। यहां पर चक्रवात देखे जाते हैं। ठीक है, सो योर राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, 100% बच्चों ने बोला है ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कोपियंस क्लासिफिकेशन, ये तो अभी मैंने अपनी पेड क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, बताइए। एज पर द कोपियंस क्लासिफिकेशन द सिंबल ए डब्ल्यू रेफर्स टू, यानी ए डब्ल्यू जो सिंबल है वो क्या दर्शाता है? क्या वो मॉनसून जलवायु से संबंधित है, क्या वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है, क्या वो स्टेप जलवायु से संबंधित है, क्या वो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु से संबंधित है? चार विकल्प है आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुनना है, बताइए। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। इट इज नियर अबाउट 16 डिग्री टू 20 डिग्री। ओ वाओ दैट्स ग्रेट, काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। जल्दी से जल्दी बच्चों जिनको नहीं पता हमारी क्लासेस के बारे में उनको भी बताइए कि आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। वेरी गुड, इसका आंसर है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो ए डब्ल्यू से दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं ट्रॉपिकल सवाना क्या है। ये ए डब्ल्यू से दिखाया जाता है। ए डब्ल्यू का मतलब है ड्राई विंटर, यानी सर्दियों के समय यहाँ बारिश नहीं देखी जाती है, और ए एस का मतलब है ड्राई समर, यानी गर्मियों में बारिश नहीं होती, यानी सूखी गर्मी और सूखी सर्दी दिखाई जाती है ए डब्ल्यू या ए एस के द्वारा। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट की क्या खासियत है? यहाँ पर तापमान 18 डिग्री से ऊपर रहता है पूरे साल। एंड इट इज टिपिकली अ प्रोनाउंस्ड ड्राई सीजन और ड्राइस्ट मंथ हैविंग लेस देन 60 मिलीमीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, वर्षा वर्षा होती है, वो 60 मिलीमीटर से कम देखी जाती है। तो यानी कि आप कह सकते हो कितनी ज्यादा गर्मी और कितना ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है यहाँ का। और यहाँ पर बड़े बड़े ट्री स्टडेड ग्रासलैंड, यानी पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे और थिक जंगल्स नहीं होते। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, सवाना में अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो वो फॉरेस्ट बन जाता है, यानी जंगल का रूप धारण कर लेता है, और अगर सवाना में बारिश कम हो तो वो डेजर्ट बन जाता है। सो वी कैन से दैट सवाना इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक है? तो ये फॉरेस्ट सवाना की ये क्लासिफिकेशन को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई आप सबको जो मैंने अभी बताई है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ये समझ आया सबको? कि सवाना का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सवाना को बोला जाता है ऐसा ट्रांजिशन जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, यानी जब बारिश ज्यादा होगी तो वो फॉरेस्ट बन जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि थिक जंगल नहीं होता परंतु पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है? और अगर बारिश 60 मिलीमीटर या उससे भी कम होगी तो ये डेजर्ट बन जाएगा, यानी मरुस्थली बन जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपसे और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, मे बी यूजीसी नेट में भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर का मोड का कुछ नहीं पता होता, इसलिए आपको ये सारे फैक्ट्स को जानना है और अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, देखते हैं कितने बच्चे इसका देंगे सही जवाब। असर्शन रीजनिंग का सवाल है, आपने बताना है व्हाट इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। हाँ तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि आदर्शन क्या बोल रहा है। आदर्शन बोल रहा है शिफ्ट ऑफ आईटीसीज है, यानी जब हम आईटीसीज है इस ग्रेटर ओवर सी रादर देन ओवर लैंड। चलिए देखते हैं, लैंड सरफेस गेट्स मोर हीटेड देन वाटर बॉडी। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। इसका आंसर है डी, ए फॉल्स है पर आर ट्रू है। देखो ये हमें पता है कि जो जमीन है वो, यानी लैंड, वो पानी से जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। कारण क्या है? जो पानी है, एक तो जो हमारी जमीन है वो स्थिर है, इट इज स्टेबल, यानी एक जगह पर जमीन है तो वही रहेगी। अब पानी क्या है? पानी डायनेमिक है, यानी मूविंग पानी है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, पानी चलता रहेगा, तो उसको गर्म करने के लिए समय लगता है,
तो पर लैंड जो है इट इज स्टेबल, वो एक जगह पर स्थिर है, वो चलती नहीं है, तो इसलिए एक जगह पर रहने से वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो आर है वो ट्रू है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी अजर्शन है वो क्या बोल रही है, द शिफ्ट ऑफ आई टी सी दैट इट इज ग्रेटर ओवर सी रादर देन ओवर है। भाई ये तो गलत बात हो गई, जब मान लीजिए लैंड पर तापमान ज्यादा है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है देर इज सॉरी हाई टेम्परेचर से देयर विल बी लो प्रेशर, लो प्रेशर होगा तो ये अपनी तरफ विंड को आकर्षित करेगा, यानी कि इट विल अट्रैक्ट द विंड, विंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आई टी सी जेड जोन कन्वर्जन जोन जाना जाता है, ये वहां पर होता है जहां पर विंड आती है। तो कन्वर्जन कहां पर हो रही है, लैंड पर हो रही है, सी पर हो रही है, इस केस में जल्दी से बताइए, क्विकली टेल मी। मैंने आपको समझाया, अब आपने बताना है कि क्या है इसका आंसर। देखो जमीन जल्दी गर्म हो गई, ज्यादा तापमान है, तापमान ज्यादा मतलब कम दाब अपनी तरफ पवनों को आकर्षित करेगा, और आई टी सी जेड यानी जो हमारा आई टी सी जेड है कन्वर्जन जोन है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है आकर्षित करना। तो वो आई टी सी जेड सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, लैंड पर होगा, सी पर होगा। वेरी गुड श्री गौरव, वेरी गुड कपिल, वेरी गुड भावना, वेरी गुड रंजिता, और बताइए क्विकली क्विकली। वेरी गुड, तो यानी कि लैंड, वेरी गुड शादाब सव्यसाची, वेरी गुड सृष्टि, सो इट्स लैंड, यानी कि जमीन पर हम ये देखेंगे, यानी साफ सीधी बात है यहाँ पर जो लैंड के ये जो लाइन लिखी हुई है ये उल्टी लिखी हुई है। आई टी सी जेड कहाँ पर ज्यादा होगा, लैंड पर होगा, क्यों, क्योंकि ये अपनी तरफ विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और आई टी सी बच्चों देखो ध्यान रखना ये कन्वर्जन जोन है, कन्वर्जेंस मतलब जहां पर सारी चीजें एक जगह आकर इकट्ठी होती है, मतलब ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अपनी तरफ मैग्नेट की तरह चुंबक की तरह चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब ये लैंड होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज ग्रेटर ओवर सी, नो इट इज, इट शुड बी ग्रेटर ओवर लैंड, तो यानी ए गलत है, आर सही है, तो डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपने इस ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ कंसेप्ट के साथ आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, द हाईएस्ट सेरेनिटी इज फाउंड बिटवीन, यानी उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है, बताइए। चार विकल्प है आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुनना है। सी, लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर फर्स्ट, और जिनको हमारे सेशन के बारे में नहीं पता उनको बताइए कि आज से हमारा सेशन स्टार्ट है, 11 बजे से हमारा न्यू नया टाइम है 11 बजे, और हम अब न्यू क्वेश्चंस ऑल एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए तो देखते हैं कितने बच्चों ने दिया है इसका सही जवाब। आई वॉन्ट एवरी बडीज रिस्पॉन्स क्विकली। देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। द आंसर इज डी, यानी 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच इन अक्षांशों के बीच सबसे ज्यादा लवणता देखी गई है। तो आइए देखते हैं, देखो हमेशा याद रखना जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करते हैं यानी भूमध्य रेखा के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर देयर इज हाई टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, पर यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होती है, यानी इवेपोरेशन भी है पर साथ में प्रेसिपिटेशन भी है, तो इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा सैलिनिटी नहीं देखी जाती। क्यों, मान लीजिए तापमान ज्यादा है पर वहां पर उतनी बारिश हो रही है, बारिश हो गई इसका मतलब सैलिनिटी अपने आप ही कम हो गई। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा हमें जो सैलिनिटी देखी गई है वो 20 से 40 डिग्री के बीच देखी गई है। ठीक है, सो इट हैज हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई लेस रेनफॉल एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो 20 से 40 डिग्री में क्या है, यहाँ पर तापमान ज्यादा है परंतु यहाँ पर बारिश उतनी उतनी तेजी से और उतनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं होती जितनी ज्यादा इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास देखी जाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा इन अक्षांशों के अंदर, वाष्पीकरण ज्यादा होगा परंतु रेनफॉल कम है,
रेनफॉल कम है, इसका मतलब क्या हो गया, सेलिनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, लवणता अपने आप ही बढ़ गई। ठीक है, समझ आया सबको कि इन अक्षांशों के बीच क्यों देखा गया है? समझ आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से बताइए व्हाई इट इज स्लो इन 20 to 40 degrees और इक्वेटर के पास हाई सेलिनिटी क्यों नहीं पाई जाती? चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल फॉर्म ऑफ सी वेव, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र की लहर का प्रारंभिक रूप है, बताइए। चार विकल्प है आपके सामने, देर आर फोर ऑप्शन। इज इट इंफ्रा ग्राविटी, इट इज ग्राविटी, इट इज अल्ट्रा ग्राविटी और इट इज कैपिलरी वेव। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने जवाब दिया है इसका। जल्दी से जल्दी बच्चों जुड़ते चलिए हमारे साथ और बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। द राइट आंसर इज डी, कैपिलरी एक्शन। वेव्स क्या होती हैं? इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ वेव जनरेशन, यानी जैसे ही हमारी समुंदर की लहरें बनती हैं उससे पहले, सबसे पहले बनती हैं कैपिलरी वेव्स, एंड दीज आर दी फर्स्ट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल वाटर साइज इन दी कंप्लीटली फ्लैट सी एंड दे हैव अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? बहुत धीरे धीरे ऐसी होती है लहरें, फिर एकदम से लहरें बढ़ने शुरू हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब दोनों वेव्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इसको बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ और इनको बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फुटहिल्स टू हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, यानी आपको निम्नलिखित पेड़ों की प्रजातियां को हिमालय की तलचटी से ऊंचे स्थानों के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अगर आपको याद होगा मैंने ये आपको कल ही पढ़ाया है, मैंने कल ही क्लास में पेड क्लासेस में ये डिस्कस किया है। अब देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। सी, कितने बच्चों ने दिया है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ए। तो आइए इस क्रम को जानते हैं, सबसे पहले इस क्रम को जानेंगे तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। फोर, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसको बच्चों नाम से याद करो। सब ट्रॉपिकल पहले होगा, बाद में टेम्परेट होगा। अगर ट्रॉपिकल होता तो ट्रॉपिकल सबसे नीचे देखा जाता। ठीक है, समशीतोष्ण के पर्णपाती के बाद फिर आते हैं निडल वन यानी कि निडल फॉरेस्ट, उसके बाद आता है अल्पाइन चारागाह यानी अल्पाइन पेस्टर्स। अल्पाइन पेस्टर्स आपको पता है ज्यादातर माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको याद होगा मैंने कल ही आपको पढ़ाया था जब हमने फॉरेस्ट के बारे में आपको बताया था। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आपको याद है ये हमने कल ही डिस्कस किया था। चलिए तो बच्चों मेरी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अब आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स लेकर आऊंगी। ठीक है, तो वीक में आपके लिए मैं 3 से 4 रिकॉर्डिंग्स लेकर आऊंगी। तो आपने क्या करना है, मेरे यूट्यूब को बार बार आपने चेक करते रहना है। ठीक है, ठीक है, आपने YouTube को, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स को आपने चेक करते रहना है कि कौन सी नई रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं। ठीक है, अब जैसे काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रफीउल्ला के मॉडल को कैलकुलेट करना, K3 K4 K7 प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, काई स्क्वायर क्या होता है, अनोवा क्या होता है, फोल्डिंग फोल्डिंग। ठीक है, और काफी सारी थ्योरीज है हमारी, जैसे कोरल रीफ्स की थ्योरी, कोरल रीफ्स कैसे बनती है, बे और स्ट्रेट में क्या फर्क होता है,
ये सारी चीजें मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग में लेकर आऊंगी, ठीक है? और वाईटी सेशन हमारे ऐसे ही सेम रहेंगे, ठीक है? ठीक है ना? सो दीज आर द टेम्परेट निडल लीफ फॉरेस्ट, यानी निडल लीफ का मतलब इनकी जो लीफ होती है बहुत पतली पतली होती है, सुई की तरह, ठीक है? और ये ज्यादातर उच्च अक्षांशों में देखे जाते हैं। दे आर मोस्ट दे ऑक्यूपाई दी हायर लैटिट्यूड रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है? और ज्यादातर कैनेडा यूएसए की साइड में देखे जाते हैं, ठीक है? सो आई एम प्लानिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे वाईटी सेशन पूछूं, आपको वाईटी सेशन में कुछ चेंज करना है, आई मीन आर यू कंफर्टेबल विद दी टाइमिंग्स, या आप चाहते हैं कि हमारे वाईटी सेशन रोज हो या वीक में एक बार हो, किस पर हम अपने यूट्यूब के सेशंस लेकर आए? बिकॉज आई वॉन्ट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन। क्लास में नंबर ऑफ व्यूज हमारा 20-30 से ज्यादा बढ़ नहीं रहा। आई वॉन्ट कि 60-70, 60-70 एटलीस्ट व्यूज हो हमारे साथ, हमारे पास। ये मैं चाहती हूँ। ओके ओके रघुवे जी, हम जरूर आपकी बात को आगे लेकर जाएंगे। ओके श्री गौरव, एंड व्हाट शुड बी दी टॉपिक, हम किस किस टॉपिक पर लेकर आए? जैसे अभी तो मैं ऑल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाऊंगी, चाहे DSSB हो, स्टेट PCS हो, UPSC के वन लाइनर क्वेश्चन हो, ताकि इट इज यू ऑल आर कंफर्टेबल, ठीक है? और टाइमिंग्स मुझे बता दीजिए, आपके लिए कौन सा टाइमिंग सबसे बेटर रहेगा? जैसे हम पहले लेकर आते थे 7:15, इज इट, आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दैट? ओके अंशिका, बच्चे जरूर, मैं GIC और UP, इनफैक्ट मैं PGT लेक्चरर के एग्जाम भी ले क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है? मैं डेफिनेटली वो सब आपके लिए लेकर आऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जाम, वो सारे एग्जाम मैं डेफिनेटली आप सबके लिए लेकर आऊंगी, डोंट वरी। ओके, तो पहले एक्चुअली हम लोगों का टाइम था वो 6:45, यानी 7:15 का था। राजकुमार, इन ज्योग्राफी आई थिंक दैट देयर इज 70-75% स्टूडेंट्स, दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं बजाय कि इंग्लिश मीडियम के। चलिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए ये सारी वीडियोस और सेशंस लेकर आऊंगी, डोंट वरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर दी फीडबैक, मैं ये सारे फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ये कहाँ पर देखे जाते हैं? असम में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखे जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है? टेम्परेट कॉनिफरस और निडल लीफ फॉरेस्ट देखे जाते हैं, दीज आर दी जिम्नोस्पर्म्स, और ये 1700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखे जाते हैं। उसके बाद अल्पाइन वेजिटेशन आती है जो 4000 और 5500 मीटर ऊपर देखी जाती है। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दैट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज, यानी एक प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड जो पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के बायोमास के वजन का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए क्या है इसका सही जवाब? 4 विकल्प है आपके सामने, आपने इसका सही विकल्प को चुनना है। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। चलिए, समय हुआ समाप्त, कितने बच्चे हैं क्लास में मैं देखना चाह रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा क्लास में, दैट्स ग्रेट। द राइट आंसर इज बी, पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो बच्चों, बायोमास का मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम में, यानी अगर मैं माउंटेन की बात करूं या मैं फॉरेस्ट की बात करूं, मैं यहाँ देखूंगी कि इन फॉरेस्ट में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर देयर,
एंड व्हाट इज देयर प्रोडक्शन लेवल, यानी वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विद इन दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, और ऐसे ही हमारे तीन तरीके के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑल दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेक दिस सेशन, मैं इसको पेड क्लासेस में पढ़ाने जा रही हूँ, हम इसको पढ़ेंगे इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मैं ये टॉपिक लूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन अवर पेड क्लासेस एंड वी हैव अवर न्यू बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। ठीक है, हमारे एंड ऑफ जुलाई में नए सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दी सेशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन मालथूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन विच इज नॉट अ पॉजिटिव चेक, यानी जनसंख्या के मालुशन सिद्धांत में कौन सा सकारात्मक रोक यानी चेक नहीं है। चार विकल्प है आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुनना है, बताइए क्या है इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। मैं देख सकती हूँ काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी बच्चों जुड़ जाइए ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सके। वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस, 50% क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन और हैं। द राइट आंसर इज बी, मोरल रिस्ट्रेंट। मोरल रिस्ट्रेंट इज बी प्रिवेंटिव चेक। बच्चों देखो, माल्थस ने दो चेक्स के बारे में बात की थी, ही हैज टॉक्ड अबाउट टू चेक्स, यानी दो रोग के बारे में बात की थी, एक तो सकारात्मक थी और दूसरा थी प्रिवेंटिव यानी नियंत्रण रोग। ठीक है, तो पॉजिटिव चेक में क्या था, पॉजिटिव चेक में सारे नेचुरल रीजन है, जैसे मान लो गरीबी के कारण बीमारी फैल गई, लड़ाइयां हो गई। प्रिवेंटिव चेक में क्या था, फैमिली प्लानिंग, जो इंसान खुद से कर सकता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, लेट मैरिजेस, लेट शादियां होंगी तो इससे बर्थ रेट भी कंट्रोल रहेगा, लेट मैरिजेस और अवेयरनेस, जागरूकता, इससे कहीं ना कहीं हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल देखा जाएगा, यानी इन दोनों रोगों से हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। तो परंतु इसमें पूछा गया है व्हाट इज नॉट दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी पॉजिटिव चेक, यानी इनमें से कौन सा सकारात्मक रोग नहीं है। अब आपको पता है सकारात्मक का मतलब क्या होता है, सकारात्मक का मतलब होता है जिसमें जो इंसान खुद नहीं कर पाता, जो नेचुरली होता है, जैसे कहीं पर गरीबी के कारण और कहीं पर आपदा आ गई जैसे कोविड की वजह से, या कहीं पर लड़ाई हो गई, इन सारी चीजों की वजह से ये हमारा है सकारात्मक रोग, दैट मींस पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग्स, यानी इंसान कितने हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या है, मोरल रिस्ट्रेंट। मोरल रिस्ट्रेंट इज द पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव चेक, नॉट द पॉजिटिव चेक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स अ प्रिवेंटिव चेक एज पर माल्थस, व्हाइल पॉवर्टी वॉर एंड डिजीज दे आर पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, नेचुरल इंक्रीज डेथ रेट, ये सब आपके सामने दिया हुआ है, आपने बताना है इसका सही जवाब। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। सो द राइट आंसर इज ए, इसका सही जवाब है ए। आइए देखते हैं कैसे। वन इज रिलेटेड टू डी, यानी कि इट्स अ रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बर्थ एंड टोटल पॉपुलेशन। जनरल फर्टिलिटी रेट है सी, यानी रेशो बिटवीन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्टिव एज, यानी फर्टिलिटी यानी सामान्य प्रजनन दर कितनी है। यानी अब मान लीजिए 100 बच्चों ने जन्म दिया, ठीक है, पर उनमें से फीमेल कितनी है, उसमें से फीमेल कितनी है, मान ली 100 बच्चों में से लगभग 60
फीमेल्स देखे गए हैं, यानी गर्ल बेबी चाइल्ड हुए हैं, तो इसका मतलब 70% फर्टिलिटी रेट है। नेचुरल इंक्रीज का मतलब क्या है? इट इज दी बर्थ ओवर डेथ, यानी कितने जन्म हुआ है और डेथ रेट क्या है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है 1000 लोगों में। मान लीजिए 1000 लोग में देखा गया है 60 लोगों का नया जन्म हुआ है और 40 लोग एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो दिस इज दी डेथ रेट एंड दिस इज दी बर्थ रेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के वैल्यू आपको बतानी है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको मैंने क्लास में सॉल्व भी कर कर बताया है। देखते हैं कितने बच्चे देंगे इसका सही जवाब। K7 की बात हो रही है यहाँ पर, K7 क्या दिखा रहा है? द वैल्यू K7 रिप्रेजेंट्स, यानी क्रिस्टोलर द्वारा दिए गए सिद्धांतों में किसने किसके लिए 7 का मान लागू किया है? बताइए। पोल बच्चे आपके सामने हैं, देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। इसका आंसर है सी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। बच्चों मार्केटिंग प्रिंसिपल सही आंसर नहीं है, क्योंकि अगर के की वैल्यू 3 पूछी जाती तो मार्केटिंग प्रिंसिपल सही जवाब होता। ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल होता है 4 और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल होता है 7। इंडिया में अप्लाई होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिसोर्स क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय जिमरमैन, यानी निम्नलिखित में से किसे जिमरमैन द्वारा प्रस्तुत संसाधन वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? 4 विकल्प है आपके सामने, आपने सही विकल्प चुनना है। बताइए क्या है इसका सही जवाब। जल्दी से जल्दी बच्चों जुड़ते चलिए क्लास में। द राइट आंसर इज डी, डी इसका सही जवाब है। तो आपने बताना है निम्नलिखित में से किसे जिमरमैन द्वारा प्रस्तुत संसाधन वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया, तो आंसर है इसका नॉन इंक्रीजिबल, ठीक है। उन्होंने तीनों को इंक्लूड किया था बट नॉन इंक्रीजेबल को इंक्लूड नहीं किया था। तो जिमरमैन के अकॉर्डिंगली एन एलिमेंट इन नेचर इज अ न्यूट्रल स्टफ अंटिल देयर हैज बीन फाउंड अ वैल्यू एंड द टेक्निकल स्किल टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम नेचर एंड इट्स अ ह्यूमन एबिलिटी, सो द रिसोर्सेज दैट विच कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड दे आर कॉल्ड अनयूज एंड दूस दैट कैन बी पुट टू यूज इट्स अनयूजेबल, यानी जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको हम अनयूजेबल बोलते हैं। और सम रिसोर्सेज दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एंड केप्ट असाइड विद इन द होप दैट द टेक्निकल स्किल विल बी सच दैट पोटेंशियलिटी ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इसका क्लासिकल एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल हमें 16 सेंचुरी से पहले नहीं पता था पेट्रोल क्या होता है, बट विद द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोल नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यानी अभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है। पहले जब हम 17वीं सदी से पहले की बात करें तो उस जमाने में कोई इसको जानता भी नहीं था कि पेट्रोल क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो जिमरमैन साहब ने क्या बोला? जिमरमैन ने ये बोला कि एनी पर्टिकुलर एलिमेंट विच कैन बी यूज और विच कैन बी पुट टू यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सस्टेनेंस और फॉर देयर लाइफ इन देयर लाइफ इट इज नोन एज रिसोर्सेस, ठीक है। यानी कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है, जब तक उसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता चल जाती और वो इंसान के उपयोग में चीज आ जाती है उसको हम संसाधन बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन और वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज गिवन बाय जिमरमैन, ठीक है। ज्योति जी बच्चे पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए।
आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपके पास पोल नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे पास भी पोल आते गए और आपके पास भी पोल आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉर द कंसेप्ट ऑफ क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल में चतुर्थक एवं पंचक उत्पादन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। चार विकल्प है आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुनना है। बताइए क्या है इसका सही जवाब। देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। द राइट आंसर इज बी, जीन गॉटमैन ने क्वार्टरनरी क्यूनरी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, डीएम स्मिथ का आपको पता है, डीएम स्मिथ की थ्योरी, उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी जो मैंने कल एप सीरीज में पढ़ाई थी। इसका ये जो हमारा थ्योरी है ये एप सीरीज पर अवेलेबल है, मैंने कल ही पढ़ाई है, आप देख सकते हैं इस थ्योरी को। और जीन गॉटमैन ने कंसेप्ट दिया क्वार्टरनरी और क्यूनरी प्रोडक्शन का। ठीक है, गुनर मृडाल ने बात की थी कंसेप्ट की रीजनल डेवलपमेंट से। ठीक है, चलिए, जीन गॉटमैन ने एक कंसेप्ट और भी दिया था, क्या आप मुझे उस कंसेप्ट का नाम बता सकते हैं। जीन गॉटमैन ने एक कंसेप्ट और भी दिया था, क्या आप मुझे उस कंसेप्ट का नाम बता सकते हैं। उन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था, बताइए व्हाट वाज दैट कंसेप्ट। जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है, काइंडली लाइक द वीडियो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। चलिए, कोई बात नहीं, क्षमा, जस्ट अ मोमेंट, देयर कैन बी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आपने लिस्ट वन लिस्ट टू को मैथ्स भी फॉलोइंग है आपके सामने, व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी आपने संसाधन को और उनके क्या उदाहरण है, आपने उन दोनों को एक दूसरे से मिलाना है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इट इज मेगालोपोलिस। आप में से जितने भी बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। द राइट आंसर इज डी, डी है इसका सही जवाब। देखते हैं कैसे, रिन्यूएबल है सोलर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल है कोयला, ठीक है, सी यानी बायोटिक है फॉरेस्ट, साइक्लिक है वाटर। ठीक है, तो कैसे, रिन्यूएबल मतलब जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा बन सकते हैं वो है हमारी सूर्य ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल मानी यानी गैर नवीनीकरण वो है हमारा कोयला, क्योंकि कोयला एक बार खत्म हो गया दोबारा बनने में काफी समय लगेगा। बायोटिक मतलब जैविक, जैविक है हमारे वन, साइक्लिक मतलब जो साइकिल में चलता है, चक्रीय मतलब वाटर जल, जिसको हम वाटर वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डी है इसका सही जवाब। चलिए 17 क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल वन, आपने बताना है इनमें से द्वितीयक गतिविधियां कौन सी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी, इन चारों में से सेकेंडरी एक्टिविटी कौन कहलाए। इसका आंसर है ए, ए इसका सही जवाब। कैसे, द राइट आंसर इज ए।
यस यस रंजिता, ओनली 20 क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक और ज्योति वर्मा, आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर, आर यू फ्रॉम दिल्ली? ओके, तो जो सही आंसर है वो है ए, यानी कोर मिक्सर की बात करें ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, स्कूल टीचर इज योर सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में आएगा, फार्मर इज योर प्राइमरी एक्टिविटी, कारपेंटर इज योर सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग बुक एंड ऑथर, आपने किताब को और किसके द्वारा लिखी गई है, इन दोनों को एक दूसरे से मैच करना है। यू आर सपोज टू मैच द बुक एंड द ऑथर। दैट्स ग्रेट, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। द राइट आंसर इज ए, वेरी गुड, ए है इसका सही जवाब। तो मैच करते हैं, ओडिसी लिखी गई है होमर द्वारा, ज्योग्राफी लिखी गई है बाय स्ट्राबो, गाइड टू ज्योग्राफी इज रिटन बाय प्लॉमी, ज्योग्राफी इज रिटन बाय सॉरी ज्योग्राफी इज रिटन बाय एटोस्टेटस। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट मैच। चलिए 19th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। हु डिफाइंड कल्चरल ज्योग्राफी दैट इम्फेसिस ह्यूमन कल्चर एंड इज फॉर्मली इक्वेटेड विद ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी किसने सांस्कृतिक भूगोल को जो मानवीय संस्कृति पर बल देता है और जिसे सामान्य रूप से मानव भूगोल के समतुल्य माना जाता है के रूप में परिभाषा की है। बताइए, चार विकल्प है आपके सामने, आपने सही विकल्प को चुना है। लेट्स सी हु विल गिव मी द आंसर फर्स्ट एंड करेक्ट। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सवाल है आज के, सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर आ सकते हैं। सो द राइट आंसर है डडले स्टैम्प। डडले स्टैम्प ने कल्चरल ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी थी कि कल्चरल ज्योग्राफी फोकसेस ऑन ह्यूमन कल्चर, यानी मनुष्य के जो हमारे जो संस्कृति है उस पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था, ठीक है, और इसको मानवीय भूगोल के अंदर डाला गया, ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कल्चरल वैल्यूज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, डिस्कर्स प्रैक्टिसेस यानी हम कैसे अपने फेस्टिवल त्योहार की सुहार बनाते हैं, वो सारी चीजें ये सब इसके अंदर आती हैं, जैसे कि लैंग्वेज कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या रीति रिवाज है, व्हाट आर राइट्स एंड रिचुअल्स, क्या खाना खाया जाता है, ठीक है, कैसे हम लोग अपने फेस्टिवल यानी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी इस कल्चरल ज्योग्राफी में बताया। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस मैप प्रोजेक्शन शोज द ट्रू शेप ऑफ ऑल स्मॉल एरियाज, यानी वो कौन सा प्रक्षेपण है जो सभी छोटे क्षेत्रों को सही आकार में दिखाता है। ये मैंने आपको सबसे पहले मेरी मई में सबसे पहली सीरीज आई थी वो थी कार्टोग्राफिक सीरीज, कार्टोग्राफिक सीरीज आपने मुझे उसका वो मैंने एक एक चीज आपको प्रक्षेपण के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में इन डिटेल में पढ़ा। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। सो द राइट आंसर, लेट सी हु विल गिव मी द आंसर फर्स्ट। द राइट आंसर इज डी, इसका सही आंसर है पोलर प्रोजेक्शंस, ठीक है, ध्रुवीय प्रक्षेपण के जरिए, यानी इट्स एन एजीमुथल प्रोजेक्शन ड्रोन टू शो आर्कटिक एंड एंटार्कटिक एरियाज, एंड दीज आर बेसिकली टू शो द एरियाज और कंट्रीज दैट आर स्मॉलर इन साइज एंड डायरेक्शन आर टू फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैप बट द मैप इज नॉट इक्वल, ठीक है, तो ये इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो बच्चों, यहाँ हमारा सेशन आज का खत्म हुआ, आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने
कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ये मेंशन करना है कि हम आने वाले वाईटी सेशंस के टॉपिक्स किस पर आप चाहते हैं हम आपके लिए वाईटी सेशंस लेकर आए। अकॉर्डिंग टू यू ऑन विच टॉपिक यू वांट दी वाईटी सेशंस, बताएं। कमेंट सेक्शन में या आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आपके लिए हम वाईटी सेशंस लेकर आए। वेरी गुड रंजिता, वेरी गुड भावना, श्रेष्ठी, ओके निशा, दो वी हैव मेनी सेशन ऑन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। शदाब, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, इफ यू हैव गॉट 19 out of 20। ओके अंशिका, डेफिनेटली विल कम आउट विद इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑल्सो। कॉन्ग्रेचुलेशन शदा। ओके राजकुमार, ओके तो आप में से जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो भी स्टूडेंट मेरी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो आप ये जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए यूट्यूब सेशन लेकर आऊँ। ठीक है, ज्योति वर्मा, आर यू देयर इन द क्लास? ज्योति जी, क्या आप क्लास में हैं? ओके, तो आप सबने जरूर बताना है कि हम किस पर टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, विल मीट ऑन ट्यूसडे, मंगलवार मिलेंगे आपसे हमारे पेड सेशंस में, और हमारी ऐप सीरीज की क्लासेस होंगी, उनको आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ, देयर इज वन इम्पॉर्टेंट, अभी हमने एक इम्पॉर्टेंट सेशन लिया था डेल्टास का, कि डेल्टास कैसे बनते हैं। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या जिन्होंने आज ज्वाइन किया है हमें, मैं उनको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, मैंने अभी एक लिंक शेयर किया है, वो लिंक आप सबने देखना है, और मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस अब आया करेंगी। ठीक है, इन अ वीक देयर विल बी 2 to 3 वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, तो आप सबने वो वीडियो देखनी है। सपूर्वा घोष, मैं इंडियन ज्योग्राफी लेकर आ रही हूँ अपने ऐप सीरीज में, जो होंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे शाम 7:45 बजे। ठीक है, तो इस वीक से, यानी कि 15, 16, 17 तारीख मैं आपको बता देती हूँ, 15, 16, 17, 22, 23, 24, इन 6 दिन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, टॉपिक भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, सो डोंट वरी। ओके सृष्टि, विल डेफिनेटली कम आउट विद दिस, और जिन्होंने भी अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी, प्लीज मार्क द अटेंडेंस बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमें आपकी अटेंडेंस पता चल जाए, कितने बच्चे हमारे साथ आज क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर फीडबैक। अगर इफ यू हैव एनी फ्रेंड हु वॉन्ट्स टू स्टडी ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स की, सो जरूर बताइएगा आप हमारी सेशंस का, क्योंकि अब हम यूजीसी नेट के साथ साथ सारे एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी करवाएंगे आपको। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी।